अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपका कल का लेक्चर अच्छा रहा होगा। और आज जो है वो आपकी सेकेंड ईयर के सिलेबस का जो है वो 8th लेक्चर है। और आज जो है देखेंगे कि आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि कल हमने अपने जो हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है प्रोटीन्स, हमने वो स्टार्ट किया था। और हमारा आज का लेक्चर जो है वो उसी चैप्टर की जो है वो कॉन्टिन्यूएशन है। जी, कल तक हमने बात की थी कि प्रोटीन्स की साख्त क्या है, फिर हमने देखा कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, फिर हमने देखा कि मुकम्मल और नामुकम्मल प्रोटीन्स क्या होती हैं। अब इसके बाद आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में, वो है कि इंसानी जिस्म में प्रोटीन के काम क्या क्या हैं। जहाँ इनका इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने वहाँ पर ही आपको बात बताई थी कि इंसान के जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें प्रोटीन्स ना पाई जाती हों। इसकी इनकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इंसान के जिस्म का 1/3 तीसरा हिस्सा जो है वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। तो अब हम 1 by 1 देखेंगे कि हमारे जिस्म में प्रोटीन्स क्या क्या काम करती हैं। पहला जो काम है वो ग्रोथ एंड रिपेयर का है। तो ये जिस्म के खुलियात की तामीर करती हैं, घिसे और टूटे फूटे खुलियात की तामीर और तजदीद और बहाली के लिए ये इंतहाई ज़रूरी हैं। नशोनुमा पाने वाले बच्चे, हामला ख़वातीन और बीमारी से जो रूबा सेहत होने वाले अफराद हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नशोनुमा पाने वाले बच्चों के लिए इनकी अहमियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि इंसान के जिस्म, इंसान की ज़िंदगी के तमाम अदवार में से नशोनुमा वाला जो दौर है इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि ये हमारे जिस्म में हार्मोन्स और खामरे पैदा करती हैं, और ये वही खामरे हैं जो हमारे जिस्म के हर में होने वाले हर कीमियाई अमल के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये तमाम जिस्मानी निज़ामों को फाल और बरकरार रखते हैं। और इन खामरों की कमी या इन खामरों में खराबी की सूरत में हमारे बहुत सारे जिस्मानी निज़ाम जो हैं वो अपना काम छोड़ देते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो एंटीबॉडीज़ है। और प्रोटीन्स जो हैं ये हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं, जिनको हम उर्दू में ज़िद्द अजसाम कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफ़त पैदा करती हैं। इसकी अक्सर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि एंटीबॉडीज़ दे आर जस्ट लाइक सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर, कि जिस तरह से हमारी सरहदों के ऊपर सिपाही खड़े होते हैं जो किसी दुश्मन को या किसी गैर मुल्क के बाशिंदे को हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होने देते, बिल्कुल इसी तरह ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये हमारे जिस्म के हमारे जिस्म की हर सतह के ऊपर मौजूद हैं, उन्हीं सिपाहियों की तरह चाकू चौबंद खड़ी हैं। और जिस वक्त कोई इन्फेक्शन पैदा करने वाला जरसूमा हमारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करता है, ये एंटीबॉडीज़ वहीं उसको ख़त्म कर देती हैं और यूँ ये बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारे जिस्म में कुव्वत मदाफ़त पैदा करती हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि हम पहले पढ़कर आए हैं कि ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, नामियाती मादा है। इनके अंदर भी जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, और ये भी हमारे जिस्म में कुव्वत और हरारत पैदा कर सकती हैं। तो जब हमारे जिस्म में चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो उस सूरत में ये अपने ईंधन वाला काम को अपनाती हैं, मतलब उस तरह से ये हमारे जिस्म में कुव्वत और हरारत पैदा करती हैं। लेकिन फिर ये होता है कि जब ये जिस्म में कुव्वत और हरारत पैदा करती हैं तो इनका अपना बुनियादी काम जो कि जिस्म की नशोनुमा करना है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 कैलोरीज देती है, जिस्म के अंदर तवानाई की 4 कैलोरीज पैदा करती है। मखसूस नशोनुमा का काम करने के बाद जो फाजिल प्रोटीन होती है वो चर्बी में तब्दील होकर हमारे जिस्म में तवानाई के ज़खीरे की सूरत में जमा हो जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है पीएच बैलेंस को मेनटेन करना। तो हमारे जिस्म में मौजूद जितने भी रकीक मादे हैं उनकी हरकत में तवाज़ुन कायम रखना भी प्रोटीन की ज़िम्मेदारी है। खून में पानी की मकदार को ये मुनासिब रखती हैं और साथ साथ खून में जो तजाबियत और असासियत को मुनासिब दर्जे पर भी रखती हैं। तीसरा है इसके बाद नेक्स्ट जो इनका काम है वो है प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो खून में जो सुर्ख ज़र्रात हैं, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो खून के सुर्ख ज़र्रात होते हैं, उनके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं।
और ये खून के सुर्ख ज़र्रात हमें इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही सुर्ख नज़र आते हैं। और ये हीमोग्लोबिन जो है इट्स अ प्रोटीन और इसके अंदर आयरन मौजूद होता है। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन सही तौर पर नहीं बनने पाती है, जिसकी वजह से खून के सुर्ख ज़र्रात की तादाद कम हो जाती है और उसकी सूरत में इंसान खून की कमी का शिकार हो जाता है, जिस बीमारी को हम उर्दू में या इंग्लिश में हम अनीमिया कहते हैं। और दूसरा ये है कि ये हीमोग्लोबिन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जो है वो ऑक्सीजन को पहुंचाती है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो पैदाशुदा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी वापस फेफड़ों तक लेकर आती है। तो हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो जिस्म के तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से समटाइम्स आपको सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सहूलत के लिए आपकी बुक का पेज डिस्प्ले कर दिया गया है और ये वही सब पॉइंट्स हैं जो मैं इससे पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करके आई हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब जिस्म में प्रोटीन के काम के बाद हम बात करेंगे कि जिस्म में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। तो जो है वो अगर हम देखें तो प्रोटीन की कमी हो जाए तो जैसे हम पहले बात की थी कि इंसान के जिस्म का हर पार्ट में कोई ना कोई प्रोटीन मौजूद है तो तकरीबन तमाम जिस्मानी अफाल जो है वो मुतासिर होते हैं, उनमें गड़बड़ पैदा हो जाती है और बहुत सारी बेकायदगियाँ पैदा हो जाने लगती हैं जो बहुत ही मामूली नौयत से लेकर और इसके बड़े मोहलक असरात भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंसान के जिस्म की नशोनुमा रुक जाती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन्स हमारे जिस्म में नशोनुमा करती हैं, नए खुलियात की तामीर रुक जाती है, जिस्म का जो वज़न है और जो कद है वो औसत से कम हो जाता है और इंसान कमज़ोर, लागर और सुस्त हो जाता है। दूसरे पॉइंट पर हमने जो प्रोटीन्स का फंक्शन डिस्कस किया था वो ये किया था कि हमारे जिस्म में प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स या खामरे पैदा करती हैं और ये खामरे जो हैं हमारे जिस्म के अंदर जितने कीमिया या वामिल होते हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह से जब प्रोटीन्स की कमी होगी तो हार्मोन्स और जो खामरे हैं वो उनकी पैदावार में कमी हो जाएगी, वो कम होंगे और जिससे इंसान के जिस्म के तमाम निज़ाम, ख़ास तौर पे निज़ाम इन्हज़ाम और जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, अमले तकसीद है, वो उसमें बेकायदगियाँ पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है, जब प्रोटीन्स, हमने तीसरा फंक्शन पढ़ा था कि हमारे जिस्म में प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं और कल मैंने आपको बताया था कि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर जस्ट लाइक सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर, कि जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर फ़ौज लगी हुई होती है और वो किसी भी दूसरे मुल्क के बाशिंदे को अपने हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होने देती है, इसी तरह से ये एंटीबॉडीज़ जब कोई बीमारी पैदा करने वाला जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है ये एंटीबॉडीज़ उसको वहीं ख़त्म कर देती हैं और हमारे जिस्म में दाखिल नहीं होने देती हैं। तो जब प्रोटीन्स की कमी होती है तो ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं, ये ज़िद अजसाम पैदा नहीं होते हैं जिससे हमारी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और हम मामूली सी बीमारी का भी मुकाबला करने के काबिल नहीं होते हैं और फौरन से छोटी सी बीमारी से भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। चौथा फंक्शन हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे जिस्म के जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो खून के सुर्ख ज़र्रात हैं, वो बनाती हैं। जब प्रोटीन्स नहीं होंगी तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे और जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाएगी, इस बीमारी को हम अनीमिया कहते हैं। इसी तरह से जो है प्रोटीन की कमी से जो प्रोटीनी गज़ाओं में मौजूद बहुत सारे और विटामिन्स होते हैं, उनके साथ और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं उनकी भी कमी हो जाती है प्रोटीन्स अगर हम प्रॉपर ना लें तो। और दूसरी बात यह है कि हमने एक और फंक्शन पढ़ा था प्रोटीन्स का कि यह हमारे जिस्म के अंदर जो पीएच बैलेंस है, जो हमारे जिस्म के अंदर तेजाबियत और हसासियत है, ये उसको मेंटेन करती हैं। तो जब प्रोटीन की कमी होती है तो पानी जो है वो खून में शामिल होने की बजाय हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खुलियात में जमा होना शुरू हो जाता है और जिससे जिस्म के जो है मुख्तलिफ हिस्सों में सूजन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी जमा हो गया और इससे मखसूस ख़ास तौर पर पेट फूल जाता है, टांगें फूल जाती हैं और इस सूरत हाल को हम अडीमा कहते हैं और ये ज़्यादातर 1 से 4 साल की उम्र के बच्चे जो हैं वो इस सूरत हाल से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जी अब हम डिस्कस करेंगे कि जब प्रोटीन की बहुत लंबे अरसे तक आपके जिस्म में कमी हो जाए तो उस सूरत हाल में कौन कौन सी बीमारियाँ आपको लाहक हो सकती हैं। तो जिस पहली बीमारी के बारे में हम बात करेंगे वो है कोशिकोर। कोशिकोर जो है बीमारी, ये आम तौर पर इसमें सिर्फ प्रोटीन्स की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है
और इसमें जो है बच्चे का मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है, उसके जिस्म में खून की कमी की वजह से जो है उसकी रंगत बहुत पीली हो जाती है, जिस्म पर जा बजा धब्बे पड़ जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस बच्चे के बालों का रंग जो है वो भूरा हो जाता है, बाल बहुत खुरदरे हो जाते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं, ये सब प्रोटीन्स के ही फंक्शन हैं। हम पहले पढ़ कर आए हैं कि प्रोटीन्स हमारे जिस्म की नशोनुमा करती हैं, जब प्रोटीन नहीं होंगे तो नशोनुमा रुक जाएगी, प्रोटीन हमारे जिस्म में खून के सुर्ख ज़रात बनाती हैं, जब प्रोटीन्स नहीं होंगी तो खून की कमी हो जाएगी, प्रोटीन हमारे जिस्म में बाल और नाखून बनाती हैं, जब प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे बाल सही तरह से नहीं बनेंगे और बाल भूरे हो जाएंगे और बहुत ही सख्त कांटों की तरह हो जाएंगे। और इस तरह के बच्चे को जो है वो हम रेड हेडेड चाइल्ड कहते हैं, कि ऐसा बच्चा जिसके सर सुर्ख होता है या जिसके बाल सुर्ख होते हैं। इस सूरत हाल में भूख बहुत कम लगती है, बच्चे को दस्त और पेचिश लगे हुए होते हैं। और दूसरी बात, हमने फिर एक प्रोटीन का ही फंक्शन पढ़ा था कि हमारे जिस्म में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, पीएच लेवल को मेंटेन करती हैं प्रोटीन्स। तो हमने पढ़ा कि जिस्म में पानी पड़ जाए तब प्रोटीन्स की कमी की सूरत में हमारे जिस्म में पानी पड़ जाता है, तो जिस तरह यही सेम सूरत हाल होगी कि बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चा करीबुल मर्ग हो जाता है। और अगर फौरी तौर पर प्रोटीन्स की इस कमी को पूरा ना किया जा सके तो यहाँ तक भी होता है कि बच्चे की मौत वाकई हो जाती है। ये वो बच्चे हैं टिपिकल जो आप किसी जगह पर भी जहाँ कहत साली होती है, जो बच्चे आप देखते हैं उस कहत साली वाले बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं। और इसकी कोशिकाओं की एक बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज जो है, दैट इज़ मेरास्मस। और मेरास्मस जो है इसमें सिर्फ प्रोटीन्स की कमी नहीं होती, प्रोटीन्स के साथ साथ जो है वो बच्चे के अंदर जो है वो कैलोरीज की यानी तवानाई की भी कमी हो जाती है, कुछ भी खाने को नहीं मिलता, ये वो सूरत हाल है। और इसमें बच्चे का जिस्म जो है वो प्रोटीन के साथ साथ उसके जिस्म में कैलोरीज की भी बहुत शदीद कमी हो जाती है, और जिस्म बिल्कुल सूख जाता है। इन बच्चों के जिस्म के ऊपर सिर्फ एक आपकी स्किन होती है, जिसको हम कहते हैं चमड़ी मौजूद होती है, जिल्द इतनी पतली हो जाती है, और बच्चों को जो है वो बूढ़ों की तरह उनकी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और समटाइम्स तक बच्चे की पसलियाँ भी गिन सकते हैं। बच्चे की आंखें बाहर को निकल आती हैं, पेचिश और दस्त की वजह से जो आपके जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उनका बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है, जिससे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, और नतीजतन बच्चे की जो है वो मौत भी वाकई हो जाती है। तो ये इतनी ख़तरनाक है अगर प्रोटीन की बहुत लंबे अरसे तक और बहुत शदीद किस्म की कमी आपके जिस्म में वाकई हो जाए। तो आपकी आसानी के लिए मैंने दो पिक्चर्स लगाई हैं आपके सामने। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर पिक्चर है ये एक मरासमस वाले बच्चे की है, और आप ये देखें कि कैसे उस तस्वीर में भी वाजे किया गया है कि बच्चे की हड्डियाँ निकली हुई हैं, स्किन लटकी हुई है, मुंह पर झुर्रियाँ हैं, और इवन ये इस पिक्चर में भी डिस्प्ले किया गया है कि बच्चा जो है उसकी अब पसलियाँ भी गिन सकेंगे। और जो दूसरी पिक्चर है उसके अंदर जो है वो कौशिकौर का बच्चे हैं, और आप ये देखें कि इस पिक्चर के अंदर जो बच्ची है उसके बाकायदा आपको बाल भूरे नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि उसके बाल बिल्कुल भूरे हैं, बच्चों के पेट फूले हुए हैं, और ये टिपिकल सिम्टम्स हैं इन बच्चों के अंदर मरासमस और कौशिकौर की। जी, अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की डेली रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जो प्रोटीन्स की डेली रिक्वायरमेंट है वो यूजुअली इंसान के कद और उसकी जो जिसामत है उस पर डिपेंड करती है, कि अगर आप दराज कद है कोई बंदा, जिसामत बड़ी है, तो उसको उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होंगी। और एक जो एवरेज आदमी है उसको अपने जिस्म के रोज़ाना जो है, जो उसका बॉडी वेट है, पर किलोग्राम जो है उसके बदले 1 ग्राम प्रोटीन दरकार होती है। अगर एक बंदे का वज़न 80 किलो है तो उसको डेली 80 ग्राम प्रोटीन खाना ज़रूरी है। और बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे नशोनुमा के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो बच्चों का जो वज़न है उसके हर वज़न के हर किलोग्राम के बदले इनको 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होती है। मसलन अगर एक बच्चे का वज़न 10 किलो है, तो अगर हम 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसको उस बच्चे को तकरीबन जो है वो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उतनी उसको प्रोटीन्स चाहिए होगी। और इस तरह से जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं, हामला खवातीन हैं, और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनको भी जो है वो एवरेज से ज़्यादा जो है वो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। और एक और बात के जो अडल्ट्स हैं उनके जो दिन की टोटल कैलोरीज हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर एक बंदे को दिन में 2500 कैलोरीज चाहिए, तो उन 2500 कैलोरीज में से ज़रूरी है कि आपकी खुराक उन 2500 कैलोरीज का 10% हिस्सा जो है वो प्रोटीन से मिले। और यही बच्चों के लिए जो है वो
टोटल कैलोरीज दिन की जो हैं उसमें से 12 से 15% हिस्सा जो है वो प्रोटीन से लेना ज़रूरी है। और एक और बात ये है कि जो आपकी दिन की प्रोटीन्स हैं उसमें से कोशिश करें कि आपकी जो तीसरा हिस्सा है प्रोटीन्स का वो मुकम्मल प्रोटीन होनी चाहिए, कंप्लीट प्रोटीन होनी चाहिए। वो प्रोटीन्स जो हमें हैवानाती ज़राए से हासिल होती हैं, जिसमें गोश्त है, दूध है, अंडा है और इनसे बनी हुई चीज़ें, जिसमें दही है, लस्सी है और अंडे से बनी हुई मुख्तलिफ चीज़ें शामिल हैं। जी, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के ज़राए के बारे में हम बात करें तो पहले दिन मेरे न्यूट्रिशन में स्टार्ट में कहा था कि कोई भी ग़िज़ा है उसके दो ही ज़राए होते हैं, एक उसके हैवानाती ज़राए यानी उसके एनिमल सोर्सेज होते हैं और दूसरे उसके नबाताती ज़राए यानी वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं। तो प्रोटीन के जो हैवानाती ज़राए हैं इसमें दूध है, गोश्त, गोश्त में भी मुर्गी, मछली, बकरा बकरा और भैंस, इन सब का गोश्त, गाय वगैरह का गोश्त शामिल है, जेलेटिन, अंडे, पनीर, दही और लस्सी वगैरह यानी दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोटीन के बेहतरीन ज़राए में शुमार होती हैं, और ख़ुसूसन जब ये खुश्क हालत में हो, जैसे खुश्क दूध है लेकिन वो पाउडर जो मिल्क होता है वो वाइटनर नहीं होना चाहिए, प्योर दूध को जैसे खुश्क किया गया होता है, खुश्क गोश्त है, जैसे खुश्क अंडों का सफूफ होता है, तो जो है ताज़ा हालत में इनमें तकरीबन 12 से 29% तक प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जैसे हम इनको ड्राई करते हैं इनका प्रोटीन कंटेंट ऊपर चला जाता है, ज़्यादा इनके अंदर प्रोटीन्स हो जाती हैं। और जो नबाताती ज़राए हैं इसमें सोयाबीन है, मटर, फलियाँ, मसूर, साबुत मसूर जो है वो अनाज हैं, दाने और कुछ सब्जियां और जो खुश्क फल जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनके अंदर भी प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इनमें से जो सोयाबीन और फलियां हैं और इसके साथ जो खुश्क गिरियां यानी जो ड्राई नट्स हैं और बादाम वगैरह जो हैं इनके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी और आला हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और जबकि जो सब्जियां हैं और जो कुछ और दूसरे अनाज हैं इनमें जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मिकदार कम होती है और इसी वजह से इनकी जो प्रोटीन है वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू की होती है। तो खुराक में जो है सिर्फ चीनी, शक्कर, घी और मक्खन वगैरह जो है इनके अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जी, प्रोटीन्स के बारे में जो हैं वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं अब हम उनके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो पहली बात है वो ये है कि जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, जो ज़रूरी अमाइनो एसिड्स हैं, उनको हर सूरत में खुराक के ज़रिए हासिल करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा जिस्म उनको खुद ब खुद पैदा नहीं कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जितने भी असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं जो मैं पीछे पढ़ा कर आई, जो तादाद में 8 होते हैं, इन सब का भी एक वक्त में खुराक में शामिल होना ज़रूरी है, वरना नहायत ही कम दौरानिए में इनकी तादाद ज़रूर पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस्म को इनकी मदद से जो गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड हैं और जो जिस्मानी प्रोटीन्स हैं वो बनाने में सहूलत रहती है, और किसी एक ज़रूरी अमाइनो एसिड की मौजूदगी और किसी एक की अदम मौजूदगी या किसी एक की मिकदार में ज़्यादती और एक की मिकदार में कमी की वजह से जिस्म में जो प्रोटीन बनाने की सलाहियत है वो मुअत्तल हो जाती है, क्योंकि हमारा जिस्म से सबसे कम मिकदार में मौजूद जो अमाइनो एसिड है उसके मुताबिक ही बाकी अमाइनो एसिड्स को इस्तेमाल करता है। कार्बोहाइड्रेट और रोगनी गिजाओं की जायद मिकदार जिस्म में मुख्तलिफ अज़ा के आसपास जखीरा हो जाती है और बवक्ते ज़रूरत काम आती है, लेकिन प्रोटीनी गिजाओं में चूँकि अमाइनो एसिड जिस्म में कहीं भी जखीरा होने की सलाहियत नहीं रखते हैं, इसलिए इनकी कमी की सूरत में या अचानक इजाफी ज़रूरत की सूरत में को पूरा करने के लिए अगर खुराक के ज़रिए प्रोटीन हासिल ना हो, तो हमारा जिस्म अपने खुलियात और बाफ़तों की प्रोटीन को इस्तेमाल करके जिस्मानी अफ़ार की बरकरारी में मदद हासिल करता है, और इस कैफियत में हम 30 से 50 दिन तक इसके बगैर गुजारा कर सकते हैं। इसके दौरान हमारे जिस्म का तकरीबन 1/4 हिस्सा प्रोटीन इस्तेमाल हो जाती है, जो सेहत पर नहायत ही बुरे असरात मुरतब करती है, और मुख्तलिफ इनाजों का मिला जुला कर जिस तरह से हम दलीम बनाते हैं, पकाने से भी इनकी इनफरादी तौर पर इनमें मौजूद जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे की कमी को पूरा करने का बायस बनते हैं, और क्योंकि इसमें गोश्त भी डल जाता है तो इसकी जो प्रोटीन है वो फिर एक मुकम्मल प्रोटीन बन जाती है। अनाजों और दालों के साथ खा हैवानाती प्रोटीन की इंतहाई कलील मकदार इस्तेमाल क्यों ना की जाए,
इनसे मुकम्मल प्रोटीन का हसूल यकीनी हो जाता है। जैसे कि हम दलीम की मिसाल दी है कि उसमें सारी दालें होती हैं जिनकी जो प्रोटीन है वो लो बायोलॉजिकल वैल्यू की होती है, उसमें चूंकि गोश्त डलता है उसकी प्रोटीन जो है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन होती है, तो इस तरह ये परफेक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और अगर प्रोटीन को ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में हम खाते रहें तो इससे मुख्तलिफ किस्म के अमराज लाहक हो जाते हैं, मसलन गुर्दों और जिगर पर ज़्यादा बोझ पड़ता है और दबाव पड़ता है, मोटापा और दिल के अमराज लाहक हो जाते हैं, बड़ी आंत के निचले से यानी कोलोन में कैंसर की एक वजह प्रोटीन की मुसलसल ज्यादती भी बताई जाती है। और इसके साथ साथ बड़ी उम्र के लोगों में हड्डियों की कमजोरी का खतरा भी पैदा हो जाता है। जी, अब आखिर में हर लेक्चर की तरह आपकी सहूलत के लिए जो है इस चैप्टर के MCQs का डिस्प्ले किया गया है, और अब आपका काम यह है कि आपने अपना जो घर में नोटबुक बनाई हुई है उसके ऊपर आपने इन स्टेटमेंट्स को लिख लेना है और इनकी करेक्ट ऑप्शंस को जो आपने टिक करके अपने पास नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको पेपर की तैयारी में आसानी रहे। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का चौथा चैप्टर ख़त्म हो गया, और उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है वो एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे।